तो और भार बहनों क्या हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं। यार एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना ही चैनल समझो। हम इसके पहले इस सीरीज में एक और वीडियो बना चुके हैं जिसका टॉपिक था टॉप 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र, जहां पर हमने IITs, NITs, IIITs के समेत बहुत सारे GFTIs और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को भी इस लिस्ट में लिया था। आज हम उसी सीरीज में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं और आज हम बात करने वाले अबाउट द टॉप 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है बेसिकली जहां पे आपको 2 IITs, 2 IIITs और 1 NIT मिलता है, और जहां पे ये सारे आपके इंस्टीट्यूट टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट है। और कैसे ऐसे 10 अलग इंस्टीट्यूट भी इस टॉप 15 की श्रेणी में घुसते हैं, आज हर एक कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। उसके पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। सबसे पहले हमारे लिस्ट में आ जाता है IIT कानपुर। अनडाउटेडली नो यू नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, एडमिशन्स टू IIT कानपुर आर कंडक्टेड वाया जे एडवांस, इट कम्स अंडर द टॉप IITs। बट एक समय हुआ करता था जब ऑल इंडिया रैंक 1 हमेशा आपका IIT कानपुर में ही एडमिशन लिया करता था। नाउ कमिंग टू द प्लेसमेंट्स फ्रंट, IIT कानपुर कंक्लूडेड इट्स 2021 प्लेसमेंट ड्राइव वेयर इन ग्रेविटॉन ट्रेनिंग पिक 3 स्टूडेंट्स फॉर अ पैकेज वर्थ INR 82 LPA एंड क्वान बॉक्स ऑफर्ड अ पैकेज ऑफ INR 80 LPA टू 1 स्टूडेंट। गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो ऑफर्ड सम अट्रैक्टिव पैकेजेस फॉर द डोमेस्टिक प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ बात कर लो डोमेस्टिक प्रोफाइल्स एट द इंस्टीट्यूट। This year highest placement reached to 1.47 crore per annum. Average package is varying from 16 LPA to 25 LPA. मैंने यहाँ पे 2017 से लेकर 2021 का डेटा लिया था, तो यहाँ पे आपका एवरेज पैकेज जो है 16 से 25 LPA इन द लॉन्ग रन डिफर कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ IIT कानपुर। IIT कानपुर हैज एन एक्सट्रीमली लार्ज कैंपस अबाउट 1050 एकर्स विद मेनी फैसिलिटीज। कॉलेज प्रोवाइड्स ह्यूज लेक्चर हॉल्स, लार्ज फील्ड्स फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कैफे कॉफी डे, डोमिनोज एंड मेनी अदर सच प्लेसेस फॉर रिफ्रेशमेंट। इट ऑल्सो हैज एन ओपन एयर थिएटर विच इज द प्लेस फॉर ऑल मेजर एक्टिविटीज। Each hostel has its own indoor facilities too. You need not worry about infrastructure. You can just imagine, आप कोई भी चीज imagine करो, वो आपके campus में already available definitely होगा। इस बात की guarantee मैं लेता हूँ। ठीक है, so the second college in our list is again another IIT. अब आप सोचते हो कि एक शहर में एक ही IIT होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पास 2 IITs की facility है। The number second कॉलेज ऑन आवर लिस्ट टुडे इज IIT BHU और द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एडमिशंस टू IIT BHU आर कंडक्टेड आल्सो वाया JEE एडवांस। द कॉलेज हैज अ वैरायटी ऑफ स्ट्रीम्स अवेलेबल इन इंजीनियरिंग। आप देखते हो जो नॉर्मल इंटेक रहता है किसी भी IIT में 1000 के आसपास रहता है, इसमें उससे भी ज्यादा है क्योंकि इसमें ब्रांचेस इतनी भरी पड़ी है। ठीक है, अब प्लेसमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 1185 जॉब ऑफर्स मिले थे आपको इस ईयर में, और 35 स्टूडेंट्स ने इंटरनेशनल ऑफर्स बैक किया था, और हाईएस्ट CTC स्टूडेंट 2.05 करोड़ पर एनम। मैं एक आपका मिथ बस्टर करता हूं। ठीक है, आप में से हर कोई सोचता है कि यार हर साल जो टॉप मोस्ट पैकेज है इंडिया का वो IIT बॉम्बे, IIT मद्रास या फिर IIT दिल्ली के पास जाता है, रॉन्ग। इट ऑलमोस्ट एवरी ईयर कम्स डाउन टू IIT BHU टू गेट दीज अमेजिंग इंटरनेशनल ऑफर, जहां पे आपको 2.05 करोड़ पर एनम मिल रहा है। टेक्निकली 17 लाख महीना, 17 लाख साल में लोग खुश हो जाते हैं, यहाँ पे 17 लाख महीना भी मिल रहा है। ठीक है, विच वॉज ऑफर्ड बाई ऊबर, वेर एज द हाइएस्ट डोमेस्टिक CTC स्टूडेंट INR 78 lakhs पर एनम, विच वॉज ऑफर्ड टू 2 स्टूडेंट्स बाई UiPath। ठीक है, इवन अमिडस्ट द पैंडेमिक द स्टूडेंट्स बैक्ड ओवर 217 ऑफर्स विद एनुअल पैकेजेस रेंजिंग फ्रॉम 11.5 टू 64.26 LPA। ठीक है, और एनुअल आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर में 2020 के प्लेसमेंट ड्राइव में द इंस्टीट्यूट बैक द टोटल ऑफ 762 प्लेसमेंट ऑफर्स, जो आपका पिछला ईयर था वहां पे 762 प्लेसमेंट ऑफर्स भी हुए थे। द हाईएस्ट इंटरनेशनल CTC वर्थ रुपीज INR 1.53 CPA वॉक्स बैक्ड बाय 4 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2020 के प्लेसमेंट सीजन की बात हो रही है। ठीक है, सम ऑफ द टॉप रिक्रूटर्स हु पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट लॉट ऑफ 2020-21 प्लेसमेंट ड्राइव वर AppDynamics, Alphonso, Coordination, Flipkart APM,
माइक्रोसॉफ्ट, जैगुआर, सिस्को, गोल्डमैन सैक्स, बजाज, क्वालकॉम, अप्लाइड मटेरियल, कॉन्फ्लुएंट एंड टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है आपकी, हर एक कंपनी टॉप कंपनी बेसिकली आपकी ITBHU जाती ही जाती है। अब इंफ्रा की बात कर लेते हैं, 1300 acre कैंपस है ITBHU का, वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इंक्लूड्स ऑल एकेडमिक नेसेसिटीज अलॉन्ग विद रिक्रिएशनल एरियाज। द इंस्टीट्यूट कैंपस सराउंडेड विद लश ग्रीन कैंपस दैट इज प्लेजेंट एंड काम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। दे प्रोवाइड फुल रेजिडेंशियल फैसिलिटीज टू स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको इतना CGPA लाना पड़ेगा तब जाके आप कॉलेज में गए। आपको हॉस्टल कॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी CGPA कुछ भी हो, आप चाहे किसी भी स्टेट से आ रहे हो, इंडिया किसी भी कोने से आ रहे हो, इतना बड़ा कैंपस है, आपके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। दे ऑफर लाइब्रेरीज विद लॉट्स ऑफ यू नो बुक्स फ्रॉम रिसर्च पब्लिकेशंस टू एजुकेशन कंटेंट दैट आर नेसेसरी एंड वाइटल फॉर स्टूडेंट्स नॉलेज एंड डेवलपमेंट। ITBHU एज एन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट हैज ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड लैब रिक्वायरमेंट्स टू इक्विप स्टूडेंट्स विद द बेस्ट ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। 100 साल पुराना है, थोड़ी सी बिल्डिंग अप टू डेट नहीं है, बट द अथॉरिटी इज डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट। ठीक है, जब इतना पुराना आपको यू नो कॉलेज मिलता है तो लोग समझते हैं कि यार बिल्डिंग पुरानी होती है, फैसिलिटीज अप टू डेट नहीं होते, बट अथॉरिटी यहाँ पे काम कर रही है। बट कॉलेज जितना पुराना हो उसका डिसएडवांटेज ये मत दिखा करो कि बिल्डिंग कितनी पुरानी है, उसका एडवांटेज ये दिखा करो कि उसका एलुमनाई स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है, तो आपको प्लेसमेंट में कभी भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि जिस भी कॉलेज का एलुमनाई स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है वहां प्लेसमेंट को लेकर बिल्कुल मत सोचा करो। कंपनीज का इनफ्लो होगा ही तो बच्चों का आउटफ्लो गारंटीड है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड कॉलेज ऑफ आर लिस्ट इज मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अलाहाबाद। और कुछ लोग अगर योगी जी के भक्त आ गए हैं तो उनके लिए प्रयागराज मैंने लिख के रखा है। ठीक है, एडमिशंस टू MNNIT आर कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली वाया JEE Main। अगर कुछ लोग डासा कोटा यानी कि फॉरेन से सैट देके आना चाहते हैं तो वो लोग बेसिकली डासा कोटा के स्टूडेंट्स बन गए, जूसा के स्टूडेंट्स नहीं बने। वो प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं, NITs के प्लेसमेंट्स में इट वॉज रैंक्ड नंबर 1 इन द ईयर 2021-22 प्लेसमेंट्स। ठीक है, लाइक एवरी ईयर द इंस्टीट्यूट मेंटेन्स अ ग्रेट प्लेसमेंट रिकॉर्ड। 1226 स्टूडेंट्स वर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द प्लेसमेंट प्रोसेस, अमंग देम 793 स्टूडेंट्स रिसीव प्लेसमेंट ऑफर्स फ्रॉम द रेप्यूटेड रिक्रूटर्स ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ड्राइव। द हाईएस्ट CDC स्टूडेंट 51.75 LPA। ये टेक्निकली आपको अटलासियन नाम की कंपनी दी थी 2020-2021 प्लेसमेंट ड्राइव में। स्टूडेंट्स रिसीव एन एवरेज CDC ऑफ INR 19.08 LPA। रिक्रूटर्स इंक्लूडेड कैपजेमिनी, मिंत्रा, गूगल, इन्फोसिस, डेकाथलॉन, लिंक्डइन, JP Morgan, चेज, हीरो, ओयो एटसेट्रा। यानी कि यहाँ पे आपके जो टॉप प्लेसमेंट्स हैं इसकी फैसिलिटी मिलती है आपको MNNIT। ये मत सोचा करो IIT में टॉप प्लेसमेंट्स लगती है। अगर आप IIT में एवरेज पैकेज लेते हो, NIT में टॉप पैकेज लेते हो, तो NIT का टॉप पैकेज IIT का एवरेज पैकेज ज्यादा होता है। ठीक है, तो NIT में जाकर फोड़ दोगे, दैट इज बेटर देन कि आप एक IIT में एक एवरेज बच्चे बनकर रह जाओ। ठीक है, इंफ्रा की बात कर लेते, द कॉलेज हैज एन अट्रैक्टिव 222 acres। छोटा नहीं है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कॉलेज 10-15 एकड़ के ही बन जाते हैं, तो 222 एकड़ तो आपका बहुत ज्यादा है। एज इट इज क्वाइट एन ओल्ड कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर इज जस्ट ओके, फ्री वाईफाई सर्विस अवेलेबल है, क्लासरूम्स आर एयर कंडीशन, मल्टीपल कैंटीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द कैंपस, मेस फूड मैंने पूछ के रखा है अच्छी क्वालिटी है, ओकेश भी नहीं है, अच्छी क्वालिटी है, लोग सेटिस्फाइड है। ओनली वेजिटेरियन फूड इज प्रोवाइडेड, अ सेपरेट हॉस्टल इज अवेलेबल ऑन द कैंपस फॉर स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। देर आर डिफरेंट लाइक क्लब्स लाइक रोबोटिक्स क्लब, डांस क्लब एंड मेनी मोर। अब बात कर लेते हैं हम IIIT इलाहाबाद या प्रयागराज की। MNNIT तो है ही यहाँ पे इलाहाबाद में, लेकिन IIIT भी यहाँ पे टॉप नॉच क्वालिटी का है। एडमिशन टू IIIT इलाहाबाद आर कंडक्टेड वाया JEE Main। इट इज अ गवर्नमेंट कॉलेज। हम पहले देख चुके थे दो टाइप के IIIIs होते हैं, एक इंटरनेशनल वाले और एक इंडियन वाले। सो दिस इज द गवर्नमेंट टाइप, दिस इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब प्लेसमेंट से अगर मैं बात करूं, इट रिसेंटली कंडक्टेड इट्स 2021 प्लेसमेंट ड्राइव एंड अचीव्ड अ 92% प्लेसमेंट रिकॉर्ड। द इंस्टीट्यूट हैज रिलीज्ड इट्स इंटरिम प्लेसमेंट रिकॉर्ड इन द हाईएस्ट CDC स्टूडेंट 61.65 LPA, विच वॉज बैक्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द BTech कोर्स ऑफर्ड बाय एप्पल। ठीक है, और यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट है 21.85 LPA। अब क्यों यहाँ का एवरेज पैकेज इतना ज्यादा है, क्योंकि IIIT में बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ सर्कल ब्रांचेस मिलते हैं लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दैट इज बेसिकली इसी। ठीक है, टॉप रिक्रूटर्स इंक्लूडिंग गूगल, गोल्डमैन सैक्स, Amazon, फ्लिपकार्ट, Zomato, IBM, Accenture, आकाश, HCL एंड Adobe पार्टिसिपेट इन द प्लेसमेंट ड्राइव ऑफ 2021। और जो आपका एवरेज पैकेज है बहुत ज्यादा लुक्रेटिव है, आप इसको बिट्स
के साथ कंपेयर कर सकते हो, बट यहाँ पे जो फीस है वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। ट्रिपल आईटीज में इंटरनेशनल वाले की फीस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन गवर्नमेंट ट्रिपल आईटीज की फीस कंसिडरेबली उनसे बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इंफ्रा की। द कैंपस अराउंड 100 एकर्स, विल गेट एवरीथिंग इनसाइड द कैंपस लाइक अ स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर वेर यू कैन प्ले एवरी इंडोर गेम लाइक स्नूकर, टेबल टेनिस, चेस, कैरम एटसेट्रा। आपके पास दो प्लेग्राउंड भी अवेलेबल है, यू कैन प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, स्क्वाश एटसेट्रा। दिस इज ऑल्सो बिग स्विमिंग पूल। यहाँ पे आपके 5 हॉस्टल्स आपको मिल जाएंगे अंडर ग्रेजुएट बॉयज के लिए, और 3 हॉस्टल आपको मिल जाएंगे अंडर ग्रेजुएट गर्ल्स के लिए। अंडर ग्रेजुएट बेसिकली आप जो बैचलर स्कोर करने चाहते हो उसको अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं। ऑल द हॉस्टल्स आर इक्विप्ड विद वाईफाई एंड जिम फैसिलिटीज। द मेस फूड इज लाइक एनी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज, बट द मेस इज एयर कंडीशन में इसकी जरूरत नहीं होती है, बट तब भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है वो चीज। ठीक है, बात कर लेते हैं अब ट्रिपल आईटी लखनऊ की। एडमिशन्स हियर आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेन ओनली। ट्रिपल आईटी लखनऊ प्रॉपरली नोन एज, यहाँ पे मैंने आपका फुल फॉर्म भी देके रखा है, वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015। इसका जो मेंटोरिंग इंस्टीट्यूट था, हमने जो कॉलेज अभी डिस्कस किया था वो था ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, इसका मेंटोरिंग इंस्टीट्यूट था। अगर मैं प्लेसमेंट रिपोर्ट की बात करूं, हाईएस्ट सीटीसी स्टूड एट 43 एलपीए, वेयर एज द एवरेज सीटीसी स्टूड एट 18.4 एलपीए फॉर अ कॉलेज व्हिच हैज जस्ट बीन एस्टैब्लिश्ड 7 इयर्स अगो। अगर वो आपको हाईएस्ट सीटीसी इतना और एवरेज सीटीसी इतना दे रहा है फॉर अ ट्रिपल आईटी, ओके, सो डेफिनेटली इसने बहुत ज्यादा ग्रोथ कर लिया पिछले 7 साल में। ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ड्राइव ऑफ 2020 100% स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड बाय सम ऑफ द टॉप रिक्रूटर्स लाइक Amazon, Google, Microsoft, LinkedIn एंड मेनी मोर। ठीक है, अब ट्रिपल आईटी लखनऊ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिपल आईटी लखनऊ वॉज एस्टैब्लिश इन 2015 अंडर द विंग ऑफ ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, और 2019 में ही इन्होंने अपने लखनऊ ब्रांच में शिफ्ट किया है। यानी कि आप टेक्निकली सिर्फ दूसरे या तीसरे बैच होंगे, डिपेंडिंग कि कोविड कब शिफ्ट हुआ, तो आप जो ट्रिपल आईटी लखनऊ के बैच से ही आप चालू कर रहे हो एडमिशन। ठीक है, ऑन द न्यू कैंपस इंफ्रा वॉज अप टू डेट विद ऑल द मॉडर्न स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग एयर कंडीशन एंड स्पेशियस क्लासरूम्स। द हॉस्टल बिल्डिंग्स हैड ऑल द बेसिक फैसिलिटीज एंड मेनी अदर फैसिलिटीज टू। लैब्स आर इक्विप्ड विद ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट। द मेस सर्व्स हाई क्वालिटी मील्स 4 टाइम्स अ डे इंक्लूडिंग इवनिंग टी। The mess is friendly to both North and South Indians even after being purely vegetarian serving one। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है मेसेज में कि यार साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, बहुत बार रिफ्ट क्रिएट हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसी कोई भी रिफ्ट की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। द कैंपस इज लोकेटेड नियर द फीनिक्स पलासियो मॉल विच इज द बिगेस्ट मॉल इन लखनऊ एंड इज अ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर अ नाइट आउट। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आर ऑल्सो अबव एवरेज। द कॉलेज विच इज ऑल्सो स्टार्टेड बिल्डिंग अ जिम ऑन द कैंपस which will be completed very soon। Triple IITs में generally life थोड़ी tedious रहती है, क्योंकि आपके जो assignments रहते हैं वो बहुत ज़्यादा hectic रहते हैं। हर हफ्ते आपको assignments मिलते हैं और वहाँ पे आप assignments में cheating भी नहीं कर सकते, जैसे NITs और IITs से possibility रहती है। यहाँ पे आपका plagiarism check किया जाता है हर एक assignment में, और अगर आपको कोई भी वहाँ पे कुछ discrepancy मिल गई आपके plagiarism में, आपको बहुत ज़्यादा heavily penalized किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे 6th कॉलेज विच हैपेंस टू बी एचबीटीयू कानपुर पर। एडमिशंस टू एचबीटीयू कानपुर आर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेन। द कॉलेज इज फेमस फॉर इट्स ब्रांचेस लाइक पेंट टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी एंड ऑयल टेक्नोलॉजी। यहाँ के जो प्लेसमेंट्स है वो इन सब ब्रांचेस रिलेटेड ज्यादा होते हैं। ठीक है, द कॉलेज इवन प्रोवाइड्स गुड प्लेसमेंट्स इन दीज ब्रांचेस। अप्रॉक्सिमेटली 80% ऑफ द स्टूडेंट्स गेट प्लेस विद गुड पैकेज एंड द रेस्ट वेंट फॉर फर्दर स्टडीज कैट, गेट, यूपीएससी एटसेट्रा। ठीक है, द हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड was 43 LPA, the average is around 6 to 7 lakhs per annum and the lowest package is around 3 to 4 LPA. Most of the students got placed in CSE, Chemical, Paint Technology. Students got internships in third year. हमारे physics वाला अलाक सर यहीं से graduate किए हैं, आप सबको पता ही होगा ये। ठीक है, अब इस college के infra की बात कर लेते हैं। The infrastructure is not that good as this college is about 100 years old. The college has all the facilities required for students. The campus is Wi-Fi enabled. It has equipped labs, very neat and peaceful classrooms and a huge library with about 2.5 lakh books to study. इतना बड़ा लाइब्रेरी आपको बहुत कम कॉलेजेस में मिलता है। एवरी हॉस्टल हैज अ मेस एंड द मेन्यू डिसाइडेड बाय द स्टूडेंट्स लिविंग इन द रेस्पेक्टिव हॉस्टल। यानी कि आपको यहाँ पे ऑटोनॉमी दी गई है कि आप अपना मेस मेन्यू खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। देयर इज अ बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट एंड ऑल्सो अ ह्यूज क्रिकेट स्टेडियम। इट ऑल्सो हैज अ ग्राउंड फॉर फुटबॉल एंड रनिंग ट्रैक फॉर स्टूडेंट्स। यानी कि स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज यहाँ बहुत ज्यादा दी गई है। मेस का ऑटोनॉमी आप लोग के पास, यानी कि यहाँ पे लाइफ
डेफिनेटली काफी हैपनिंग है। अब बात करते हैं हमारे सेवेंथ कॉलेज विच हैपेंस टू बी IET लखनऊ के बारे में। एडमिशन सी आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ JEE ओनली फ्रॉम 2020 से यहाँ पे आपका एडमिशन क्राइटेरिया चेंज हुआ है। ड्यूरिंग IIT लखनऊ प्लेसमेंट्स 2020 द हाईएस्ट CDCE ऑफर वॉज ऑफ INR 36 LPA एंड द लोएस्ट CDCE वॉज फ्रॉम INR 4 LPA, यानी कि साल का 4 लाख भी लोग कम मिले रहे हैं, डेफिनेटली ठीक है। ठीक है, अ टोटल ऑफ 100 ऑफर्स वर मेड बाय द रिक्रूटिंग कंपनीज, द मीडियन CTC इन द अंडरग्रेड, बेसिकली जो बैचलर्स लोग कर रहे हैं वहां पे, ऑफ INR 5 वाज आल्सो ऑफर्ड ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ड्राइव। जो मीडियन CTC है बेसिकली यहां पे 5 LPA है। मोर देन 100 प्लस प्लेसमेंट ऑफर्स वर मेड ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ड्राइव। 12 रिक्रूटिंग कंपनीज विजिटेड द कैंपस टू मेक द प्लेसमेंट ऑफर्स। टॉप रिक्रूटर्स लाइक Amazon, Unacademy, DeShaw एंड Cobalis, कोऑर्डिनेशन एटसेट्रा पार्टिसिपेट इन द प्लेसमेंट राइट। ठीक है, तो उतनी ज्यादा कंपनीज आती नहीं है, लेकिन जो भी आती है अच्छे पैकेज में आपको ले जा रही है। अगर इंफ्रा की मैं बात कर लूं यहाँ पे, द इंफ्रा इज वेरी गुड, क्लासरूम्स, लैब्स एंड वाईफाई इज ऑल्सो अवेलेबल। 8 हॉस्टल है बॉयज के लिए, 4 हॉस्टल है गर्ल्स के लिए, और अदर गवर्नमेंट हॉस्टल से अगर कंपेरिजन करूं तो कैंपस उतना भी डेवलप नहीं है बट ठीक है। फूड क्वालिटी इज गुड बट इज ऑयली। मेडिकल फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल, वाईफाई इज अवेलेबल, देर आर मेनी क्लब्स फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड यू कैन ज्वाइन इफ यू आर इंटरेस्टेड। अब बात कर लेते हैं हमारे 8th कॉलेज की, विच हैपेंस टू बी जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। एडमिशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ AMU EEE। प्लेसमेंट्स में अबाउट 55% ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड इन रेप्यूटेड कंपनीज व्हाइल अदर स्टूडेंट्स वर ऑप्टेड फॉर हायर स्टडीज। ठीक है, यानी कि यहाँ का प्लेसमेंट परसेंटेज 55% है, जो बेसिकली 45 में आ रहा है, इनमें से कुछ प्लेस नहीं हो पाए और कुछ प्लेस होना ही नहीं चाहते थे क्योंकि उनको हायर स्टडीज लाइक UPSC, CAT, GATE ये सब करना था। ठीक है, द इंटर्नशिप रेट इज अबाउट 20% कंपनीज लाइक सेंट कोबिन एटसेट्रा। सेंट कोबिन जैसी कंपनी इंटर्नशिप भी स्टाइपेंड भी 2 महीने का 35,000 देती है और उसके बाद जो पैकेज भी देती है वो अप्रॉक्सिमेटली 6 लाख के आसपास का रहता है। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली ROI हियर इज गुड एज द फीस इज वेरी लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वंस ऑफर्ड इंस्टीट्यूट टू कन्वर्ट टू IIT अलीगढ़ बट द एडमिनिस्ट्रेशन रिफ्यूज्ड। ठीक है, इसको बात चल रही थी IIT अलीगढ़ बनाने की बट इनके एडमिनिस्ट्रेशन ने ही रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इंफ्रा की बात कर लेते हैं। द कॉलेज हैज एन अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग अ बुक बैंक, लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स एटसेट्रा। देर आर फैसिलिटीज फॉर एवरी इंडोर गेम एंड आउटडोर स्पोर्ट, इवन बिलियर्ड्स। ठीक है, ऑल लैब्स आर वेल इक्विप्ड विद अपडेटेड मशीनरी। यहाँ पे आपको जो लिविंग कंडीशन दिए जा रहे हैं डिसेंट है, नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड। ठीक है, आप यहाँ पे आराम से सर्वाइव कर सकते हो 4 साल। अब बात कर लेते हैं JIIT नोएडा, JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा की। एडमिशन हियर आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ JEE एंड 12th बोर्ड मार्क्स ओनली। JEE और 12th बोर्ड के नंबर पे यहाँ पे आपके एडमिशन होते हैं। अब यहाँ पे प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात कर लूँ, कॉलेज का प्लेसमेंट रेट ऑफ मोर देन 95%, द हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड वाज 37 LPA एंड द एवरेज पैकेज वाज अराउंड 6 to 7 LPA। टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज आर विप्रो, अडोबे, DeShaw, इन्फोसिस एटसेट्रा। मोर देन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। दिस कॉलेज कम्स इन द लीग ऑफ VIT, SRM, मणिपाल, LNM, IIT एटसेट्रा। तो आपके जितने भी टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है उनके साथ इसकी रैंकिंग आ रही है। ओके, अब बात करते हैं इसके इंफ्रा। द कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड एंड द कॉलेज इज लोकेटेड इन द मेन सिटी ऑफ नोएडा। देर आर मेनी फैसिलिटीज इन सराउंडिंग एरियाज ऑफ द कॉलेज एंड मेनी फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड इन कॉलेज दैट इज बेटर फॉर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सच एज वाईफाई, लैब्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, कैंटीन, कैफेटेरिया, ATM, प्लेग्राउंड्स, AC रूम्स इन हॉस्टल एंड मेनी मोर। दो द कैंपस वॉज, मतलब जब उसको चालू किया गया था तब कैंपस की फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी, तो उनका सेकंड कैंपस जो बेसिकली है वो सेक्टर 128 में एस्टैब्लिश्ड है अभी के टाइम पे। अब बात कर लेते हैं RGIPT की, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी की। एडमिशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ JEE एडवांस। आप लोग सोचते हो JEE एडवांस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ IIT मिल सकता है, लेकिन RGIPT इज वन ऑफ द टॉप कॉलेज विच यू कैन गेट वाया JEE एडवांस्ड अपार्ट फ्रॉम द IITs। प्लेसमेंट्स की बात करूं तो कॉलेज इज वेरी फेमस फॉर पेट्रोलियम एंड केमिकल इंजीनियरिंग। द प्लेसमेंट्स एट RGIPT आर गुड एज ऑफ नाउ कंसीडरिंग इट इज अ न्यू कॉलेज। ऑलमोस्ट 70-80% इस साल प्लेस हो चुके हैं और जितने भी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मास्टर्स फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट किया। एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट वेरी हाई फ्रॉम दिस कॉलेज बिकॉज ऑलमोस्ट 70% ऑफ द प्रोफेसर ग्रेजुएटेड फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज। ठीक है,
क्या बात होती है ना कि अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी कर रहे हो, उसका डिमांड इंडिया में इतना नहीं है, बट अगर आप फॉरेन में जाते हो, फॉरेन में उसका डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। केमिकल इंजीनियरिंग एंड पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी जॉब्स आर डीम्ड टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द वेस्ट, ठीक है। द हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड वॉज अराउंड 22 LPA बाय ONGC एंड द लोएस्ट पैकेज वॉज अबाउट 4.2 LPA। ऑलमोस्ट जितनी भारतना कंपनीज आती है सब यहाँ पे आती है, इंक्लूडिंग ONGC, ऑयल, IOCL एटसेट्रा। अब CSE और ECE ब्रांचेस भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, पहले सिर्फ और सिर्फ आप केमिकल और पेट्रोलियम रिलेटेड ब्रांचेस ही थे, ठीक है। अगर इंफ्रा की बात करूं, कैंपस बहुत ज्यादा इक्विप्ड है, लैंड कनेक्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। द क्वालिटी ऑफ द फूड सर्व्ड इन द मेस इज फाइन, वंस अ वीक नॉन वेजिटेरियन फूड इज अवेलेबल इन द मेस। यहाँ पे NIT त्रिची में भी यही सेम चीज था कि यार हफ्ते में आपको एक बार शाम को और एक बार दोपहर को आपको नॉनवेज मिल जाता था। There is a tennis table also, there is a table tennis table basically, badminton court, tennis court and a basketball court, racking track और जो कंस्ट्रक्शन में अभी चल रहा है बेसिकली। द मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हियर आर लाइक एनी अदर IIT। तो जे एडवांस के थ्रू जब कॉलेज में रहा है तो टॉप नॉच ही है, भले नया है लेकिन प्लेसमेंट रिकॉर्ड जल्दी बहुत सही इनका होने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे 11th कॉलेज की, विच हैपन्स टू बी मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी MMMUT, ठीक है। एडमिशन्स आर हियर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेन ओनली। अगर मैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स की बात कर लूँ, 85% ऑफ द स्टूडेंट्स लास्ट ईयर प्लेस हुए थे। द हाईएस्ट सैलरी वॉज 39 LPA, द लोएस्ट सैलरी ऑफर्ड वॉज 4.5 LPA, एवरेज सैलरी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 4.73 के आसपास है। यानी कि आप देख सकते हो जब भी एवरेज फिगर इसके पास रहे लोएस्ट पैकेज के पास, यानी कि यहाँ पे मास रिक्रूटर्स काफी आते हैं। टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज हियर आर माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, TCS आ गया, देखो मास रिक्रूटर। अप्रॉक्सिमेटली 80% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट प्लेस, मोस्ट ऑफ देम गॉट प्लेस इन TCS, मास रिक्रूटर अगेन। ओवरऑल द प्लेसमेंट्स आर गुड, ठीक है, मैं खराब नहीं बोलूंगा, लेकिन जब आप किसी भी कॉलेज में अप्रॉक्सीमेटली 85% लोग को प्लेस कराए, यानी कि आपके प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छी है, खराब नहीं है, भले थोड़ा लोअर साइड में, लेकिन आप एट द एंड ऑफ द डे आपका जो काम है लोगों को प्लेस कराना आप वो करवा दे रहे हो, ठीक है। अगर इंफ्रा की बात करूँ, कैंपस बहुत बड़ा है, 350 acres का। द इंफ्रा इज वेरी गुड एंड मेनी फैसिलिटीज आर अवेलेबल, 24-hour Wi-Fi इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द होल कैंपस। द फूड इज एवरेज, दे प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज, अ यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया, कैंटीन एंड अमूल शॉप आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर रिफ्रेशमेंट। देर आर बिग फुटबॉल ग्राउंड ऑन अनदर एंड अनदर ग्राउंड, यहाँ पे बेसिकली आपको एक फुटबॉल ग्राउंड दे दिया गया है और एक स्पेयर ग्राउंड भी आपको दे दिया, जहाँ पे आपको और जितने भी स्पोर्ट्स खेलने हैं वहाँ पे अपने आपको एग्जीक्यूट कर सकते हो बेस्ट पॉसिबल मैनर में। एवरी हॉस्टल हैज स्पेस फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स टू। नाउ द 12th कॉलेज इन आर लिस्ट टुडे इज शिव नादर यूनिवर्सिटी नोएडा, SNU नोएडा, ठीक है। एडमिशन आपके SNU SAT और JEE मेन के थ्रू यहाँ होते हैं। प्लेसमेंट्स फॉर CSE आर ग्रेट एंड ऑलमोस्ट everyone who sits for placements get placed in a good company. टॉप रिक्रूटर्स लाइक GS, Goldman Sachs, Adobe, American Express, Futures First, IBM, United Health Group and ZS Associates यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आते हैं। हाईएस्ट पैकेज 2 साल पहले 31.5 LPA था, यहाँ का मेरे को बेस्ट रिकॉर्ड मिला नहीं है प्लेसमेंट का, तो जितना मैंने यहाँ पे लास्ट देखता हूँ आपके लिए मैंने लाया है। 2019 का डेटा मेरे पास यहाँ पे है, 31.5 LPA वॉज द हाईएस्ट पैकेज, 2 साल में बढ़ गया होगा ऑब्वियसली, एंड द एवरेज सैलरी वॉज अबाउट 6-7 LPA। अगर मैं इंफ्रा की बात करूँ, इंफ्रा बढ़िया है। द कैंपस स्प्रेड ओवर 250 acres ऑफ लैंड विद स्प्रॉलिंग ग्राउंड्स एंड इनफ ओपन स्पेस। द हॉस्टल्स, डाइनिंग हॉल्स, लाइब्रेरी एंड अकेडमिक बुक्स आर वाईफाई इनेबल्ड, ठीक है। द लैब्स हैव द लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड आर एडिक्वेट। द फूड ऑफ द मेस इज डिसेंट इन ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर इज डेफिनेटली ग्रेट, ठीक है। अब द 13th कॉलेज इन आर लिस्ट टुडे इज JK इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी अलाहाबाद। एडमिशंस हियर आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेन ओनली। मेजर कंपनीज हैव कम हियर हु आर लाइक DRDO, भेल, विप्रो, TCS, Canon, Nokia, Siemens, Reliance, etc. The highest package offered is 10 lakh and the lowest one is 3 lakh per annum, ठीक है। Highest package उतना ज़्यादा नहीं है, but ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। On an average, 69% of the students got placement in major companies and most of the students prepare for GATE and ESE exams, ठीक है। तो अगर आपको GATE और ESE exams की तैयारी करनी है, basically placement अगर उतने high end नहीं चाहिए, but तब भी एक decent placement चाहिए, आप इस college को देख सकते हो। Infra की बात कर लूँ, तो Infra of the college is good and the facilities provided here are like any other college.
आपको यहाँ पे वाईफाई फैसिलिटी 24 घंटे के लिए मिलती है और फ्री है बेसिकली। क्लासरूम्स आर इक्विप्ड विद एयर कंडीशनर्स एंड द लाइब्रेरी फैसिलिटीज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विच आर ऑफ टॉप नॉच लेवल, ठीक है। द पेनल्टीमेट कॉलेज इन आर लिस्ट टूडे इज JSS नोएडा। एडमिशन हियर आर डन ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेंस। प्लेसमेंट्स की बात करूं 70% प्लेसमेंट्स थी फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू CS और IT ब्रांचेस। हाईएस्ट सैलरी 2019 में 40 LPA की थी और जो अडोबे ने दी थी, और जो लोएस्ट सैलरी पैकेज ऑफर की गई थी वो थी 2.5 LPA। द एवरेज सैलरी पैकेज ऑफर्ड इन CS IT वॉज अराउंड 4-6 LPA विच इज प्रोवाइडेड बाई मास रिक्रूटिंग कंपनीज लाइक TCS एंड Infosys। इसलिए बोल रहा हूँ मास रिक्रूटिंग कंपनीज आपका प्लेसमेंट परसेंटेज बहुत सुधार देता है, बट जो आपका एवरेज और मीडियम सैलरी है ना वो एकदम धड़ल्ले से भी वो नीचे गिरा देता है, ठीक है। टॉप कंपनीज विच विजिटेड हियर इन द लास्ट 4 ईयर्स आर TCS, Infosys, Samsung, HCL, Amazon, IBM, Mahindra, etc. अब इंफ्रा की बात कर लेते हैं। द कॉलेज इज स्प्रेड ओवर 28 एकर्स। इट हैज अ वाईफाई फैसिलिटी ऑन द कैंपस। ऑल द डिपार्टमेंट्स हैव देयर सेपरेट बिल्डिंग्स इक्विप्ड विद मेनी क्लासरूम्स, लैब्स एंड वर्क स्टेशन, ठीक है। अब हॉस्टल में आपको यहाँ पे एयर कंडीशन रूम्स मिल रहे हैं, फूड काफी अच्छा है मेस में। इट ऑल्सो प्रोवाइड स्पोर्ट फैसिलिटीज लाइक फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल ग्राउंड एंड अ रनिंग ट्रैक अक्रॉस द ग्राउंड, ठीक है। द लास्ट कॉलेज इन आर लिस्ट टुडे इज द गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। एक नया कॉलेज है लेकिन अभी भी रेपुटेशन इसकी उतनी सुधरी नहीं है। आपको इसके बहुत सारे फेक पेड रिव्यूज मिल जाएंगे यूट्यूब में, उनको भरोसा मत रखना। यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, यहाँ पे कुछ भी एडल्ट्रेशन नहीं हुआ डेटा का, ठीक है। एडमिशंस आर डन मेनली ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेन एंड 12th मार्क्स। अकॉर्डिंग टू 2021 प्लेसमेंट्स अबाउट 85-90% ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू CSE एंड IT कोर्सेज गॉट प्लेस, ठीक है। CSE और IT में प्लेसमेंट अच्छी है, बाकी सबका दावा मैं नहीं लेता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट प्लेस इन मास रिक्रूटमेंट इन मेनी कंपनीज लाइक टाटा, IBM, Infosys एंड विप्रो विद एन एवरेज सैलरी पैकेज रेंजिंग फ्रॉम 3.5-5 LPA। ज्यादातर इसका एवरेज पैकेज इसके आसपास ही रहता है, बट क्योंकि अभी थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन हुआ है थोड़ा बहुत ग्रोथ हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। द हाइएस्ट सैलरी पैकेज ऑफर्ड दिस ईयर वॉज 19.34 LPA बाय लॉवेज इंडिया, ठीक है। जिसका हाइएस्ट पैकेज इतना कम है वहां पर ऑब्वियसली प्लेसमेंट के लिए थोड़े बहुत तो लाने लगे रहते हैं, ठीक है। अगर आप CSIT से नहीं हो फिर तो डेफिनेटली लगेंगे आपके। द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर द कोर्स इज सफिशियंट एंड रिसोर्सफुल। द लैब्स आर वेल मेंटेन्ड। इट इज वेरी फाइनली डिवाइडेड फॉर डिपार्टमेंट्स लाइक CS, EE, सिविल, ECE, etc. ऑल द डिपार्टमेंट्स हैव डिफरेंट ब्लॉक्स एंड द लैब्स आर वेरी गुड। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, लेकिन द मेन थिंग इज यहाँ पे प्लेसमेंट के थोड़े बहुत लाले पड़ते हैं। बस मैंने शुरुआत से यही बोला है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो लोचा है वो प्लेसमेंट का ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे कोई डिफिकल्टी आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। द मेस फैसिलिटीज ऑल्सो अबव एवरेज, बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 15 कॉलेज। आपके जो भी रिकमेंडेशन है आप हमें बता दीजिए। अगली जो वीडियोस इस सीरीज में आने वाली है हमारी, वो रहने वाली है हमारी टॉप कॉलेजेस ऑफ मध्य प्रदेश, टॉप कॉलेजेस ऑफ दिल्ली को लेके, ठीक है। तो आपके कोई और सजेशंस है कमेंट करना मत भूलना, और मुझे बताना आप सबकी डिमांड, प्रायर डिमांड में आपको कौन सी वीडियोस चाहिए, ठीक है। आपको कोई भी डाउट्स हो, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, ये मेरा ट्विटर का हैंडल है, आप यहाँ पे आके मुझे फॉलो कर सकते हो और जो भी डाउट्स है वो क्लैरिफाई हम कर देंगे। मैं लाइव सेशन नॉर्मली इंस्टाग्राम और ट्विटर में लेते रहता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सारे हैंडल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल। जो भी डिमांड्स है आपके आप मुझे देना, आपकी वीडियोस प्रायर डिमांड में बन जाएगी। आई लव यू ऑल, बाय बाय।